अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मकड़ी का जाला या मकड़ी जो अपना घर बनाती है वो रेशमी हल्का सा होता है। ये अमूमन वो अपना शिकार पकड़ने के लिए बनाती है, मतलब कि वो अपनी खुराक इस शिकार से हासिल करती है। ये जाला वो अपने अंदर से ही हासिल करती है, यानी उसके पेड़ के अंदर से एक लार्वा उसके अज्व से निकलता है, वो इसी से अपना जाल बनाती है। मकड़ी का ये जाला वो सदियों से बनाती आ रही है। कुदरत ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो आसानी से अपनी खुराक का इंतज़ाम कर सकती हैं। अक्सर मकड़ियाँ अपना जाल इस वक्त बनाती हैं जब उन्हें शिकार करना होता है, और कुछ मकड़ियाँ ये जाल नहीं भी बनाती। जब मकड़ियाँ पानी से ज़मीन की तरफ मुंतकिल होती हैं तो वो खुद को और अपने अंडों को महफूज करने के लिए ये जाल बनाती हैं। मकड़ियाँ मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ जाल भी बनाती हैं, और ये एक हैरान किन बात है कि वो अपने मुख्तलिफ ग्लैंड्स के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म का जाल बनाती हैं। मसलन वो अगर अपनी हिफाजत के लिए या फिर शिकार के लिए जाल बनाएं तो जो स्किल इस्तेमाल करती हैं वो चिपकने वाले मादा से करती हैं। ये सलाहियत भी रखती हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 8 किस्म की सिल्क बना सकती हैं। लेकिन मेरे अल्लाह ने एक छोटी सी मकड़ी को इतनी बड़ी ताकत दी है और इसको भी अपनी खुराक हासिल करने का हुनर सिखाया है।